संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग, क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना, किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना, सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी उसकी बुराइयां भी, संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी यह संबंध बढ़ेगा, तभी यह संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है गुणों का उदय। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां, ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधे तो उसके सारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधे राधे।